सो वेलकम बैक एवरीवन। तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है कि ऑफ रोडिंग करते हुए मेरी बाइक गिर गई थी। तो अच्छी बात यह है कि यार मैंने गियर पहन रखे थे जिसकी वजह से मेरा सर बच गया। कॉज जिस जगह पे मैं गिरा था वहाँ पर आसपास बहुत ही मोटे पत्थर थे यार, अगर हेलमेट नहीं होता तो सिचुएशन मेरी कुछ और हो सकती थी। तो मैं आप लोगों को भी यार रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जब भी आप राइड वगैरह पे जाएँ तो प्लीज़ हेलमेट पहने, क्योंकि यार आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है, आगे जाके कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की नहीं ले सकता। तो राइड की यार एक दो डिटेल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि राइड में हम डेस्टिनेशन क्या थी और कहाँ से कहाँ गए। तो यार हम लोग जम्मू से कटरा की तरफ जा रहे थे। वहाँ एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, देवी पिंडी मंदिर, अगर आप जम्मू के तो आप लोगों को पता होगा। और हम चार लोग यहाँ से यार बाइक पे सुबह 8 बजे के निकले हैं, और इतना ज़्यादा जोश था मंदिर जाने के लिए तो जोश में फिसल गए, पता भी नहीं चला। तो भगवान की कृपा अच्छी थी यार कि चोट नहीं आई मेरे को ज़्यादा, बस छोटे मोटे हल्के से स्क्रैचेस हाथ पे आए, ग्लव्स लगा हुआ था बट स्टिल हल्का फुल्का आ ही जाता है, एंड टांगों पे थोड़ा हल्का सा निशान दे बस, और कुछ नहीं। बाकी आप लोग यार पूरी वीडियो देख लेना, इस बार मैंने GoPro के 3-4 एंगल से शूट किया है और आपको अलग ही लेवल का मज़ा आने वाला है, एन्जॉयमेंट लेवल अलग ही लेवल का होने वाला है। तो पूरी राइड में यार हम लोगों ने बकचोदी करी है बस। आई होप आप लोगों को यार बाकी की राइड देखने में मज़ा आएगा। और उससे पहले यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जो नीचे लाल वाला बटन है यार उसको भी दबा दो। आपकी एक स्टेप से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड नई नई वीडियोस बना सकते हैं हम लोग। और जो लोग यार पहले से जुड़े हुए हैं आप सबको दिल से शुक्रिया यार। अब बिना टाइम वेस्ट किए यार वीडियो देख लो आप सब। कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए, तभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो कभी एक्सीडेंट में रिकॉर्ड हो जाता है, या तो नंबर प्लेट किसी की वो होती है एक्सीडेंट में पूरा इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। इसको ऑन ही रखते हो? हाँ, यूट्यूब पे चैनल है तो यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ ये। अच्छा। तो ये है यार हमारा पहला मीटिंग पॉइंट। मेरे साथ ऑलरेडी दो राइडर जुड़ चुके हैं जो कि हैं शिवा भैया और सिद्धांत भैया। अब हम सेकंड मीटिंग पॉइंट पे चलेंगे अविरल भैया से मिलने। और यहाँ पर अंकल जो है सस्ता माल फूक के वैलेंटिनो रॉसी बन चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई नंबर प्लेट भी नहीं चढ़ी है स्कूटी की। बढ़िया, चंगे आप बताओ? बढ़िया एकदम। तो जम्मू से मंदिर जो कटरा में है वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर है। आधा रास्ता हाईवे है और आधा रास्ता पहाड़ है, आधा भी नहीं कहेंगे यार, 20 किलोमीटर पहाड़ है। और आप लोगों की यार जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि यार सेम रास्ता कश्मीर की तरफ भी जाता है, मतलब सेम ही रास्ता है। अगर आप स्ट्रेट जाते रहेंगे तो आप कश्मीर पहुंच जाएंगे, अगर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो माता का जो मंदिर है वहां की तरफ मुड़ जाएगा रास्ता। तो बहुत सारे टनल्स बनने के बाद यार आप लोग जम्मू से कश्मीर जो है मात्र 6 घंटे में पहुँच सकते हो। पहले तो यार 10 से 12 घंटे लग जाते थे वहाँ पहुँचने में, बट अब वैसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम लोग यार हाईवे के साइड पर शूट कर रहे हैं एंड कोरोना के चक्कर में यार ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, और सारी की सारी पिक्चर्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी जो कि मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लीजिए। दिखाना है, सेक्सी है, सेक्सी है। ये भी खुद ड्रॉ करा? मेरे को लगा ये खुद ड्रॉ करा, पीछे वाला हार्ले वाला भी खुद ड्रॉ करा। कौन ड्रॉ करे? बढ़िया यार, ये एक सीक्रेट कह सकते हैं, एक कला कला है कला यहीं चलते हैं फिर। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर रहते हैं यार हमारी डेस्टिनेशन को, और वहाँ पहुँच कर आप लोगों को मैं शॉट्स दिखा दूंगा कि जम्मू कितना सुंदर है। कॉज यार हर बार ऐसा होता है कि यार जम्मू एंड कश्मीर में सुंदरता का सारा क्रेडिट जो है कश्मीर ले जाता है, बट जम्मू भी कम नहीं है यार, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो यहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो मैं जब तक जम्मू में हूँ इस साल के एंड तक सारी यार जगह मैं कवर कर लूँगा और आप लोगों को मैं व्लॉग्स में दिखा दूँगा सब। तो आप लोग बने रहो चैनल पर, हो सके तो सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आएगा वो भी दबा दो।
कभी कभी क्या होता है कि YouTube वीडियोस रिकमेंड नहीं करता, तो नोटिफिकेशन ऑन रखने से आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ या नई पोस्ट अपलोड करता हूँ। तो अब हम पहाड़ वाले एरिया में आ चुके हैं और जितने भी बाइकर्स होंगे यार मुझसे एग्री करेंगे कि पहाड़ों में बाइक चलाकर रोड पे लीन मारने में अलग ही नशा है यार। और जो जो लोग मुझसे एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोगों को क्या लगता है कि बाइकर्स को पहाड़ों में राइड करने में इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आता है। नगर पालिका को बुलाओ, भोपरी वाले गड्ढा भेजे। अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। ठीक है, आजा आजा, बैठ जा बैठ जा, कहीं बैठ जा बैठ जा। ज्यादा तो नहीं लगी? ना ना, पानी पानी दे दो, पानी है पानी। देखिए इसकी लगी है क्या, बाइक की बच गई, क्रैश गार्ड ने बचा लिया क्या? हाँ हाँ, लिवर गार्ड पे लगी है थोड़ी बहुत। हाँ ये यार, ये गया, ये टूट गया, ये टूट गया। शिट शिट शिट, बाकी तो ठीक है ना? ये टूट गया भैया, बाकी तो बच गया, ये निकालना पड़ेगा मेरे को लग रहा। चल लेगा ना, कर लेगा ना राइड बाकी? हाँ हाँ हो जाएगा, तू रेस्ट कर ले। तुमने देखा, तुमने तो नहीं देखा था इसको कैसे? पिछले टर्न पे था ये, आगे निकल गया था। अच्छा, रेतीली सड़क का यही होगा, ये ऑफ रोड नहीं है ना भाई। बस इसमें ये दिक्कत आ गई यार, ये टूट गया। हाँ हम, ये हमारे पीछे था, बस जैसे हम, मैं वहां पर उतना हुआ हूँ तो ये कह रहा भैया बस पीछे आवाज आई, मैं पीछे देखता हूँ ना उससे, हाँ, वाइजर से ये गिर गया, फटाफट टांग बच गया, ये लग गया बना पत्थर। यहाँ तो इतने खतरनाक से वैसे रखे थे ना, बच गया मैं यहाँ पे। चलो यार निकलते हैं, चलो निकलते हैं, निकले अब, ठीक है ना? आराम से ठीक है। हाँ हाँ, तो हम लोग यार मेन लोकेशन पे आ चुके हैं। और सच बताऊं तो यार, राइड करके जब आप ऐसे सुंदर जगह को देखते हो तो जहाँ पहाड़ पूरे बादलों में कवर्ड रहते हैं और ठंडी हवा आपके यार चेहरे पे पड़ती है, तो मेरी राइड यार वहीं पे सफल हो जाती है। अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर दो, बहुत ही हेल्प हो जाती है, मोटिवेट हो जाते हैं हम नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो बस यार, यहीं वीडियो का अंत होता है और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।